बात कीजिए लाखों दिलों पे राज करने वाली इस जोड़ी की। आप सभी को मालूम होगा कि दीपिका शिव इब्राहिम काफ़ी सालों के बाद बनी है पेरेंट्स। इनके घर एक क्यूट सी बेबी बॉय ने लिया है जन्म। जब से शिव इब्राहिम और दीपिका ने ये प्रेगनेंसी अनाउंस की है, तभी से दीपिका की प्रेगनेंसी पर उठ रहे हैं काफ़ी सवाल। दीपिका की प्रेगनेंसी पर जब सवाल उठे तो दीपिका इमोशनल हो गई। पहले दीपिका को कहा गया कि दीपिका की प्रेगनेंसी IVF से कराएंगे। दूसरी बार में कहा कि दीपिका का फेक बेबी बम्प है, पीलो बांधती हैं। और अब दीपिका की डिलीवरी हो चुकी है। दीपिका ने क्यूट से बेबी बॉय को दिया है जन्म। अब सवाल उठ रहा है ये कि दीपिका ने बेबी को हॉस्पिटल से गोद लिया है। अब आप दीपिका के जो क्लिप है हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर आप गौर फरमाएं। आप देख रहे होंगे कि दीपिका के फिगर में काफ़ी फ़र्क है। और अब दीपिका की डिलीवरी हो चुकी है, तो आप फेस को देख सकते हैं कि पहले में और अब में कितना फ़र्क है। और आपने देखा होगा कि दीपिका के पैरों पर काफ़ी सूजन भी आ गई थी, तो वो किस वजह से आई थी? तो प्रेगनेंसी में काफ़ी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों पर सूजन आ जाती है। दीपिका काफ़ी मुश्किलों से आज माँ बनी है, काफ़ी परेशानियों का सामना किया है। हमें दुआएं करनी चाहिए। दीपिका और शेब इब्राहिम की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। दीपिका शेब इब्राहिम कामयाब हुए हैं, तो काफ़ी लोग सवाल उठाने लगे हैं। इनकी खुशी कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही है। आप ज़रा सोचें, जब दीपिका शेब इब्राहिम मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, तब किसी ने आके उनकी मदद नहीं की, ना ही हाथ बढ़ाया। कौन आया शेब इब्राहिम की मदद करने के लिए जब वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे? आज कामयाब हो गए तो काफ़ी लोग अब उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि शेब इब्राहिम और दीपिका दोनों मिलकर कंटेंट बनाते हैं तो कमाई कर रहे हैं। तो चलें इस बात को भी मान लेते हैं कि वो कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन अपने बना रहे हैं। किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं। जो उनकी ज़िंदगी की लाइफ चल रही है वो दिखा रहे हैं और अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। पूरी दुनिया व्लॉग बनाती है। अगर दीपिका शेब या सबा व्लॉग बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो क्या बुराई है? आपका क्या कहना है इस बारे में, तो कमेंट्स में लाजमी बताएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।